तो आपने सुना होगा, मगर बाल ही चोरी हो जाए तो मामला रोचक हो जाता है। चांदामेटा थाने के बड़कोही में 4 लाख के बाल की चोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने चोरी किया गया आधा माल बरामद कर लिया है। 2 लाख के बाल जब्त कर 2 आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। इस मामले में बाल खरीदने वाला महाराष्ट्र का व्यापारी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश करी है। चांदामेटा थाने में जिले के SP विनायक वर्मा ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के महादेव सेवरकर ने 13 सितंबर को 4 लाख रुपए के बालों की चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। उनके गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। ये बाल महिलाएं घर घर जाकर इकट्ठा करती है। इसे महाराष्ट्र में 5,000 रुपए किलो में बेचा जाता है। पुलिस ने इस मामले में वरुण के राजेश ठाकरे और राहुल को गिरफ्तार किया, उनसे आधा माल बरामद कर लिया। शेष माल महाराष्ट्र के अकोला के व्यापारी जानराव पंचारे ने खरीदा था। व्यापारी की गिरफ्तारी मामले का चोरी के मामले का खुलासा आज थाना चांदामेटा में हुआ है। थाना चांदामेटा में स्थित बड़कोही चौकी में 13 सितंबर को सेठ महादेव सेवरकर के यहाँ जो बाल का व्यापार करे, ह्यूमन हेयर का, जिसका कलेक्शन करके वे इत्यादि के लिए यूज़ करते हैं, उनके गोडाउन को ताला तोड़ के लगभग 40 किलो बाल गायब हुए थे। और इसके साथ ही पुलिस इसकी संख्या लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। पुलिस तत्काल ही इसके छानबीन और पूछताछ में जुट गई। इसमें हाल ही में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पता चला है कि 2 शख्स जो महाराष्ट्र के जिला वरुण के रहने वाले थे, उन मामलों में पूछताछ करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम राजेश पिता बापूराव ठाकरे और राहुल पिता शंकर सिंह घोटवार, इनके नाम ये सामने आए हैं। इनसे द्वारा पूछताछ किए जाने पर इन्हें अपने गुनाह को कबूल किया और साथ ही लगभग आधी जो वैल्यू है, यानी लगभग 2 लाख रुपए के बाल ऑलरेडी इनसे रिकवर किए जा चुके हैं। इसके साथ ही जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो भी रिकवर हो गई है। एक सेठ जो अकोला महाराष्ट्र में अभी रहते हैं और जिनके द्वारा आगे इन बालों की खरीदारी की गई, जिनका नाम अभी जानराव पंचारे करके आ रहा है सामने, इनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना कर दी गई है। उम्मीद है कि गिरफ्तारी जल्द होगी और शेष माल बरामद होगा। इस टीम ने शीघ्र मूव करते हुए बड़ी चोरी का आज खुलासा किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इन बिजनेस न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।